एवरीवन आर वी लाइव नाउ क्या हम लोग अभी लाइव है स्टार्ट करें सेशन वैसे आज मेरी हिम्मत नहीं थी सेशन लेने की बट क्योंकि ये लगा हुआ था तो इसको कैंसिल नहीं करा पाई सो आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं लेते हैं सेशन गुड आफ्टरनून एवरी वन चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑलीवुड वाई टी चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लेना ऑलीवुड ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरी वन इन फेबर फोर बिगिन द सक्सैसफुल कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ इट्स फिफ्टी मेगा वॉट गुजराए सोलर पावर स्टेशन इन कानपुर उत्तर प्रदेश वट इज द करेक्ट आंसर हियर नहीं अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं हो पा रही है ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ फेबररी से ख़राब चल रही है तबियत एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू टेक सम मोर टाइम करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा एस जी बी एस जी बी एन लिमिटेड जो है आपने सुना होगा अक्सर इसका नाम uh, स, uh, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से तो एस जी बी एन लिमिटेड जो है ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी वन की कंपनी है शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ है एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है ये तो इन्होंने अभी अपना यहाँ पर जो काम है वो शुरू कर दिया है और फिफ्टी मेगावाट का गुजरात सोलर पावर प्लांट जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये लेके आ रहे हैं नेक्स्ट इज़ कल्याणी स्टील लिमिटेड है साइंड एन एम

टेक थ्री फोर डेज हॉलीडे मैम आई डोंट थिंक सो दैट इज पॉसिबल कल भी मेरा ऑफ था एंड कल भी कोई क्लास नहीं था क्लास कर ही नहीं पा रही हूँ बिकॉज इट्स गेटिंग डिफिकल्ट स्पेशली जब गला ख़राब होता है तो ऐसे में बोलने में बड़ी दिक्कत आती है एंड टीचिंग इज़ ऑल अबाउट यू नो स्पीकिंग एंड यू नो टीचिंग अदर स्टूडेंट्स तो उसमें तो सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आपको बोलना पड़ता है सो so, वहीं पर स्ट्रगल कर रही हूँ मैं सो कल्याणी स्टील लिमिटेड हैज़ साइंड एन एम ओ यू विद उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अ मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इलेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ रुपीज़ सो ग्यारह हज़ार सात सौ पचास करोड़ रुपये का एक मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी कल्याणी स्टील ने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में एम ओ यू साइन किया है इसके अंदर क्या मैन्युफैक्चर होगा तो टाइटेनियम मेटल एरोस्पेस और ऑटोमोटिव कॉम्पोनेंट्स के अलावा यहाँ पर एडवांस क्वालिटी का स्पेशलिटी स्टील जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा

Uh, ममता यादव दिस इज बिकॉज अभी वो आपका पहले देखो अभी जो भी एग्जाम्स हैं पहले उसके अंदर आपका प्रिलिम्स जो है उसकी क्लासेस आपको मिलेंगी प्रिलिम्स वाले सब्जेक्ट्स की देन आपका प्रिलिम्स का यहाँ पर फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा लक्ष्य बैच इज़ अबाउट यू नो द फाउंडेशन और उसके बाद में आपकी जो uh, जर्नरल अवेयरनेस की क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है आफ्टर दैट सो मे बी अराउंड अभी मार्च एंड से या मार्च मिड से शुरू हो जाएंगे आपकी क्लासेस ओके प्लीज अपलोड जनवरी बोल्ट पी डी एफ एंड फेबररी पी डी एफ ओके माधुरेमा थैंक यू थैंक यू माधुरेमा सो so, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हरियाणा के अंदर सवेरा प्रोग्राम लॉन्च किया है अर्ली डिटेक्शन और ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन के लिए एंड दैट्स ऑल यू हैव टू यू नो रिमेंबर इसके अलावा बस ये याद रख सकते हो कि वेदांता फाउंडेशन इन इनकोलेब्रेशन विद हेल्थ डिपार्टमेंट इन गुड़गांव उन्होंने यहाँ पर ये शुरू किया है विजुअली इम्पेयर्ड पीपल विल कंडक्ट स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर के लिए उनको यहाँ पर लाया जाएगा स्क्रीनिंग के लिए एंड आपको पता होगा कि जितनी भी वुमेन है हु आर रिजाइडिंग इन सिटीज तो ज़्यादातर इस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर जो है इस टाइप का ये ज़्यादातर सिटीज़ वाली वीमेन में देखा जाता है एंड भारत के अंदर महिलाओं में ये सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो पाया जाता है दैट इज़ दैट अब इसके अलावा हमने देखा वन मित्रा नाम से भी हरियाणा में लॉन्च हुआ है नॉन फॉरेस्ट एरियाज में टी प्लांटिंग एक्टिविटीज़ प्रमोट करने के लिए स्वयं नाम की एक स्कीम उड़ीसा में आई है जहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन एक लाख रुपये तक का उड़ीसा के यूथ को दिया जाएगा सी एम वयोश्री योजना महाराष्ट्र के अंदर आई है सीनियर सिटीजन के लिए जिनको किसी भी टाइप की फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है हमने लास्ट क्लास में बात किया था इसके बारे में देन है महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में है और इसको लाया गया है मैरिड वुमेन के लिए वन थाउजेंड रुपीज़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा युवा निधि स्कीम कर्नाटक में है जॉबलेस यूथ जो है जिनका जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री है जिनके पास में या डिप्लोमा होल्डर्स है तो जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको फिफ्टीन हंड्रेड और जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको थ्री थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से फाइनेंशियल एड मिलेगा जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक योगाश्री स्कीम वेस्ट बंगाल टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट नेक्स्ट इन फरवरी 2024 ट्वेंटी विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज बिकम द विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैविज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म टू कोलाबरेट विद सेस एस ए सी ई विच इज़ एन इटालियन एक्सपोर्ट एजेंसी टू बूस्ट द कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ठीक है पी एफ सी जो है ये बनती है यहाँ पर फर्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म जिसने एस ए सी के साथ में जो कि एक इटालियन की एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है उसके साथ में कोलाबोरेशन यहाँ पर बेसिकली कर रहे हैं और पुर स्ट्राटेजी इनिशियेटिव को यहाँ पर ये लेके आ रहे हैं क्रेडिट जो दिया जाता है सेस के थ्रू दट इज वॉर द एक्सपोर्ट सेक्टर ठीक है नेक्स्ट है आपका वोग्रेटेड द सुदर्शन सेतु इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज कनेक्टिंग ओखा मेनलैंड एंड बेट द्वारका करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने सुदर्शन सेतु जो इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है जो ओखा मेन लैंड को बेट द्वारका के साथ क्या करने का काम करता है कनेक्ट करने का, का काम करता है कितने किलोमीटर का ब्रिज है टू पॉइंट थ्री टू किलोमीटर का ब्रिज है कॉस्टिंग इसका है नाइन सेवेंटी नाइन करोड़ रुपीज़ का कॉस्टिंग है ठीक है और इस ब्रिज को ना इनिशियली इसको टू में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया गया था यहाँ पर जो तीर्थयात्री वगैरह आते हैं ना द्वारकाधीश टेम्पल के इधर विजिट करने के लिए इसका पहले नाम सिग्नेचर ब्रिज था लेकिन इसको रीनेम करके सुदर्शन सेतु कर दिया था इसके अलावा मोदी जी ने पांच ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना मेडिकल जिसको एम्स हम कहते हैं तो एम्स कैंपसेस खोले हैं पांच नए एक राजकोट गुजरात में एक भटिंडा पंजाब में रायबरेली यूपी के अंदर कल्याणी वेस्ट बंगाल एंड मंगला गिरी आंध्र प्रदेश के अंदर ठीक है उसके अलावा पीएम मोदी ने दो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन तेलंगाना और पांच इंस्टीट्यूशंस इन आंध्र प्रदेश इन्होंने डेडिकेट किए हैं इनाग्रेट किए हैं कल की धाम टेम्पल यूपी में उसका आधारशिला रखा है मध्य प्रदेश को सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड करोड़ रुपीज़ दिए हैं एंड गोवा को वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट दिए हैं ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था नेक्स्ट है यहाँ पर इन फेब्ररी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मैम आई डी बी आई जैम का जी के भी आएगा ना आ, सुग्रीव, आ एक बार मेरी तबीयत ठीक हो जाए फिर जितनी चीज़ें हैं मैं सारी करना चाहती हूँ बहुत सारे चीज़ें मेरे माइंड में थी मुझे करनी थी अभी फोर्थ मार्च को जिनका एग्ज़ाम है उससे पहले भी करनी थी ना मैं उनके लिए कोई वाई क्लास ले पा रही हूँ ना मैं उनके लिए कोई पेड बैच ले पा रही हूँ नथिंग मतलब मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी लेकिन अभी सब कुछ यहाँ पर यू नो होल्ड पर है आज का क्लास भी हार्डली मैं आधे घंटे का बड़ी मुश्किल से ले पाऊँगी वो भी हिम्मत जुटा रही हूँ मैं अगर कैंसिल हो जाती तो मैं इसको कैंसिल करा लेती बिकॉज मैं क्लास लेने के बाद में जो मेरी हालत होती है <coughs> वो और ख़राब होती है अभी तो मैं इसलिए इतना ले पा रही हूँ कि मैंने थोड़ा रेस्ट किया हुआ है इसके बाद में और हालत <coughs> ख़राब ही हो जाएगी सो बैंक ऑफ बड़ोडा ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है वो बोला है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट से सिक्स पॉइंट एट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव एंड सिक्स पॉइंट एट परसेंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर के लिए भी सिक्स पॉइंट एट और ट्वेंटी फाइव के लिए जो सिक्स पॉइंट सेवन फाइव था उसको यहाँ पर सिक्स पॉइंट एट से सिक्स पॉइंट एट परसेंट यहाँ पर कर दिया है नेक्स्ट है जुर इंश्योरेंस वीवायर हाउ मच पर्सन टेक इन कोटेक जनरल फॉर फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी करोड़ रुपीज इन अगल थैंक यू प्रयांशी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेवेंटी परसेंट तो जूरी की इंश्योरेंस जो है वो कोटेक महिंद्रा के अंदर सेवेंटी परसेंट एक्वायर करने वाला है फॉर फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी करोड़ रुपीज के लिए ठीक है और जिससे यहाँ पर ये जो बैंक है इन्होंने बोला है कि फिफ्टी वन परसेंट स्टेक नवम्बर में इन्होंने बोला था कोटेक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के अंदर ये क्या कर रहे थे कोटे महिंद्रा बैंक बेच रहा था जूरी के इंश्योरेंस को फो फोर थाउजेंड फिफ्टी वन करोड़ रुपीज़ फ्रेश कैपिटल के थ्रू नेक्स्ट डे आपका वो एज बिन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड ऑनटरप्रनीरशिप करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ताटुंग पाडी तो ताटुंग पाडी जो है उनको डायरेक्टर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड ऑन्ट्रनीोरशिप के अंदर अभी रिसेंटली पंजाब स्टेट <coughs> आई कैन फोर लोकसभा पोल्स कौन बने हैं दैट इज शुभमन गिल फिर स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज नंद किशोर यादव एम डी ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया निखिल जोशी आई आर सी टी सी के जो सी एम डी हैं दैट इज संजय कुमार जैन और प्रेजिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दैट इज रंजीत कुमार अग्रवाल सेवेंटी सेकेंड यहाँ पर वो प्रेजिडेंट बने हैं <coughs> नेक्स्ट है यहाँ पर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तो आंसर हो जाएगा इधर भूपेंद्र कुमार भूपेंद्र कुमार जो है उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर बने हैं सिटीज़न रजिस्ट्रेशन जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के अंदर सिटीजन रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसको भूपेंद्र कुमार देखने वाले हैं एज अ डायरेक्टर नेक्स्ट है आपका हैज हुआजिन नेम्ड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेल्यूएशन ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जी तो वर्ल्ड बैंक का जो जी है उसके नए डायरेक्टर इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस के कौन बने हैं दैट इज गीता बत्रा ठीक है सो गीता बत्रा को नया डायरेक्टर बनाया गया है इंडिपेंडेंट इवेलुएशन ऑफिस ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का <coughs> यू एस रेप्रजेंटेटिव डब्ल्यू एच ओ बोर्ड में हम पढ़ चुके हैं विवेक मूर्ति बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे है ना ये सारा हम कर चुके हैं नेक्स्ट है Next आपका हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द ग्रेट फ्लैप ऑफ नाइनटीन फोर्टी टू हाउ द राज पैनिक ओवर अ जैपनीज नॉन इन्वेजन करेक्ट आंसर होगा मुकुंद पद्मनाभन जो है उन्होंने लिखा है द ग्रीप फ्लैप ऑफ नाइनटीन फोर्टी टू नेक्स्ट है आपका विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा म गार्जियन बिटवीन द इंडियन आर्मी एंडस्थान करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फिफ्थ इस बार फिफ्थ एक्सरसाइज हुआ अब धर्मा गार्जन जब भी होते हैं तो आपको याद रखना है इंडिया और जापान के बीच में है और कहाँ पर हुआ राजस्थान के अंदर हुआ और चल कर कब से कब तक रहा <laughs> पच्चीस फरवरी से लेकर नौ मार्च तक ये चल रहा है ठीक है और यहाँ पर दोनों तरफ से चार चार जो सेना के जवान हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूप्स फ्रॉम थर्टी फोर्थ इन्फेंट्री रेजिमेंट और इंडियन आर्मी कंटिजेंट की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करना है राजपुताना राइफल्स की बटालियन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है मिलान नेवल एक्सरसाइज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ट्वेल्थ एडिशन वायु शक्ति जो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जैसलमेर राजस्थ <coughs> राजस्थान के अंदर और सदा तंसिक जो है वो सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में पहली ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई वो भी कहाँ पर राजस्थान के अंदर डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया फ्रांस यू ओवर अरेबियन सी और खंजर एक्सरसाइज का एलिवेंथ एडिशन था साइक्लोन एक्सरसाइज का सेकेंड एडिशन था खंजर इंडिया किर्गिस्तान और हुई कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में और साइक्लोन इंडिया इजिप्ट वाली इजिप्ट के अंदर होती है नेक्स्ट है आपका नीति आयोग सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम हैज सेड दैट द लेटेस्ट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे इंडिकेट्स दैट पावर्टी हैज कम डाउन टू हाउ मच परसेंट इन द कंट्री एंड पीपल आर बिकमिंग प्रॉस्पेरस बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ये बोल रहा है कि अभी फ़िलहाल में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ये बताता है कि कितना परसेंट गरीबी हमारे इधर कम हुई है दैट इज़ फाइव परसेंट ठीक है कम होके कितना हो गई है फाइव परसेंट हो गई है सो so, <coughs> पीपल आर बिकमिंग प्रॉस्परस समृद्ध हो रहे हैं रूरल in है, अर्बन दोनों एरियाज में इंक्रीज इन कंजम्प्शन बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इज़ टू पॉइंट फाइव टाइम्स यानी कि ढाई गुना ज्यादा बढ़ा है कंजम्पन रूरल अर्बन दोनों एरियाज के अंदर ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है एन एस एस ओ उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है उन्होंने हाउस होल्ड कंजम्शन एक्सपेंडिचर फाइनेशियल ईयर ट्वेंटी थ्री का यह डेटा इन्होंने दिया था पर मंथली हाउस

ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच टॉप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिमोव यू ए फ्राम इट्स ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज सब्जेक्ट टू इंक्रीज़ मॉनिटरिंग अब यू ए को इन्होंने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है क्योंकि अब मॉनिटरिंग यू ए के अंदर बढ़ गई है एफ एट टी एफ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं तो पैरिस फ्रांस के अंदर हैं ये आपको याद रखना है ठीक है तो टोटल तो अभी ट्वेंटी वन ऐसे नेशन हैं जो ग्रे लिस्ट में अभी एडेड हैं ठीक है थीके? जबकि यहाँ पर यू को हटाया गया लेकिन कीनिया और नमीबिया को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है इन एडिशन टू यू बारबाडोस बार्बाडोस गिब्राल्टर और युगांडा को भी रिमूव किया गया है यू ए बारबाडोस गिब्राल्टर और युगांडा ये चार देश हटाए गए हैं और ऐड कौन किए गए हैं कीनिया और नमीबिया तो टोटल अभी ग्रे लिस्ट में कितने हैं इक्कीस देश अभी भी यहाँ पर हैं ठीक है टी राजा कुमार क्या हैं प्रेसिडेंट है, है मेंबरशिप थर्टी नाइन कंट्रीज़ का है एफ एफ के अंदर नेक्स्ट है आपका इन फेब्रुअरी 2024 अनुराग सिंह ठाकुर जो है उन्होंने अनाउंस किया द सेटिंग अप अ रीजनल फैसिलिटेशन ऑफिस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इंस्टिट्यूट अभी उनको रिप्लेस नहीं किया गया है अभी उनका टर्म है <coughs> <coughs> बट हाँ उनको जल्दी रिप्लेस कर देंगे ये ओके सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ ठीक है अभी यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर उन्होंने बोला है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का जो फैसिलिटेशन ऑफिस है ये चंडीगढ़ में शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यू टी ओ इन अबू यू ए तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्टीन ठीक है अब थर्टीन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ डब्ल्यू का जो आबू धाबी यू के अंदर होता है नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फॉर्म जेफरीज इंडिया इज टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनॉमी बाय विच ईयर तो ये जेफरीज नाम की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फॉर्म है उसने बोला इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब तक बन जाएगा 2027 तक यही सेम एस बी आई की ईको रैप रिपोर्ट ने भी बोला था है ना अभी हमने देखा यहाँ पर कि जापान चौथे नंबर पर जा चुका है जर्मनी तीसरे नंबर पर आ चुका है लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट हैज साइंड एन एम ओ यू विथ इच ऑर्गेनाइजेशन टू बूट द स्टार्टअप इको सिस्टम इन द ईस्टर्न स्टेट तो आंसर क्या होगा सिडबी जो है उसके साथ में बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट जो है उसने क्या किया है यहाँ पर एम ओ यू साइन किया है <coughs> ठीक है तो बिहार स्टार्टअप फ़ंड ट्रस्ट एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिड भी जो है ये दोनों साथ में आए हैं अब इन्होंने इसका टोटल जो ये बिहार स्टार्टअप फ़ंड ट्रस्ट है इसमें कितना पैसा डाला है पाँच सौ करोड़ रुपए इन्होंने डाला है और इसको इस्टेब्लिश किया गया है विद एन इनिशियल फिफ्टी करोड़ फॉर स्केलिंग ऑफ फंडिंग सपोर्ट टू स्टार्टअप पचास करोड़ रुपये का फंडिंग सपोर्ट स्टार्टअप्स को दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है <coughs>

अंदर आपका डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है सो सुनील शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कितने टाइम के लिए पाँच सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट है आपका हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट एज डेप्यूटी सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में डेप्यूटी सेक्रेटरी के तौर पर किनको अपॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नितिन जैन अभी हमने यहाँ पर देखा संजय कुमार जैन जैन नाम के जो संजय हैं उनको आई का सी बनाया और मिनिस्ट्री ऑफ <coughs> स्टील के अंदर जो डिप्यूटी सेक्रेटरी हैं वो कौन बने हैं नितिन जैन बने हैं तो अब स्टील मिनिस्ट्री के डेप्यूटी सेक्रेटरी कौन होंगे नितिन जैन होंगे ठीक है कब तक पंद्रह मार्च दो हज़ार पच्चीस तक इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस स्टील ये सारा आप लोग देख लेना नए नए एम डी कॉन बने नेक्स्ट है? Uh, है आपका मिनिस्टर सीनियर पी एल एम पी एम एल एन लीडर मरियम नवाज हैज बिकम द फर्स्ट एवर वेमेन सी एम ऑफ विच प्रोविंस इन पाकिस्तान तो याद रखना पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस की फर्स्ट एवर वमेन सी एम बनी है नवाज़ शरीफ की डॉटर थ्री टाइम फॉर्मर जो पी एम रह चुके ना नवाज़ शरीफ उनकी डॉटर दैट इज़ मरियम नवाज़ नेक्स्ट है आपका हुआ एज़ द गुड फेलो क्लासिक पी एस ए चैलेंजर टू टाइटल इन टोरोंटो कनाडा तो करेक्ट आंसर होगा अभय सिंह जो है उनको गुड फेलो क्लासिक चैलेंजर टू टाइटल जो तो, टोरंटो कनाडा में हुआ वो जीता है अभय सिंह ने नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फिनिश द आर्चरी एशिया कप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर विद फोरटीन मेडल्स जिसके अंदर कितने मेडल्स हैं आपके गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज तो याद रखना नाइन गोल्ड हैं फोर सिल्वर हैं एंड वन ब्रॉन्ज के साथ में टोटल फोर्टीन मेडल्स जीते हैं इंडिया ने आर्चरी एशिया कप के अंदर जो हुआ इस बार बगदाद इराक़ के अंदर ठीक है नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन ये मैं दे रही हूँ गाइज आपका होमवर्क जिसका आंसर आपको सबमिट करना है आफ्टर द क्लास कमेंट बॉक्स के अंदर ठीक है आपको बताना है कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एम साइन किया किस कि आई के साथ में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़ आज मैं बची हुई जितनी भी पी हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी ठीक है तो जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना uh, जो भी नेक्स्ट सेशन होगा वीकली करंट अफेयर्स का उसमें बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी क्लास में अदरवाइज पीडीएफ में बचे हुए क्वेश्चंस मैं दे दूंगी आपको पीडीएफ मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल <coughs> <coughs> शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल पर ठीक है थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर बियरिंग विद मी इतना मतलब आपको काफ़ी इनकन्वीनियंस हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट कफ तो तब तबीयत ठीक ना होने की वजह से सेशन आज का शॉर्ट है बट नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करा दूँगी एंड मंथली करंट अफेयर्स में इसको बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच एवरी वन बाय बाय टेक केयर यू गैस ऑल द वेरी बेस्ट